हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के चैनल पे। और ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनक्यू की 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस आप लोगों को अपलोड करके दे दी है। और हम लोग अभी मैनक्यू का जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक है उसके जो 4th चैप्टर है, यानी कि मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, वो कर रहे हैं। इस चैप्टर से एक और वीडियो मैंने बनाया था, वो लास्ट वीडियो था, और ये इसका दूसरा वीडियो है। इसमें मोर और लेस सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। सप्लाई डिमांड डायग्राम्स बनाना है, शेड्यूल दिया हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस कवर करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे, वरना इलास्टिसिटी में चले जाएंगे। थोड़ा लेट हो गया है इस वीडियो को अपलोड करने में, तो उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ काम आ गया था। लेकिन अब वीडियो फ्रीक्वेंटली अपलोड होगा, ऐसा पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन जो है वो लिख के रखा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो आपके बुक के साथ मैच ना करे नंबरिंग, तो एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मेरी जो बुक है वो 6th एडिशन की बुक है। मैं 6th एडिशन के बुक को फॉलो करता हूँ मैनक्यू का। आपके पास लेटेस्ट एडिशन हो सकता है, मैंने बहुत पहले पढ़ाई की थी तो मेरे पास पुरानी बुक है। और एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखते समय अगर आपको कभी भी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट्स बहुत कम रहते हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि उनके साथ शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा, इस डिस्कशन का वो पार्ट बन सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सकेगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द मार्केट फॉर पिज्जा हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। तो पिज्जा की मार्केट की डिमांड शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल एक ही टेबल में दी हुई है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्राफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो ग्राफ बनाना है डिमांड कर्व का और सप्लाई कर्व का। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन दिस मार्केट। तो देखिए दोस्तों, बिना ग्राफ का ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी और वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे या जिस क्वांटिटी पे जो डील है वो डन हुआ, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो क्लोज हुआ हो। हम जानते हैं कि जब कोई बायर किसी कमोडिटी की डिमांड करता है या करती है तो वो उसमें बार्गेनिंग करता है या करती है। हर बायर चाहता है कि कम से कम प्राइस में उसको खरीद सके, और हर सेलर चाहता है कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेच सके। तो ये कम और ज्यादा के बीच का जो फर्क है वो बार्गेनिंग के थ्रू एक बीच के लेवल पे आता है, जहां पे दोनों यानी कि बायर और सेलर एग्री कर रहे हैं उस प्राइस पे डील को क्लोज करने के लिए। ऐसा होता है कि हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं इसके कितनी प्राइस है, तो वो बोलता है कि इसका प्राइस 500 रुपए। सपोज उसने बोला 500 रुपए, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हम 100 रुपए देंगे। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है मेरा विलिंगनेस टू पे और सेलर का विलिंगनेस टू सेल, इसमें फर्क बहुत ज्यादा है। बार्गेनिंग के थ्रू ये फर्क जो है ना, ये रिड्यूस होता है, ये फर्क रिड्यूस होता है और कहीं एक जगह पे जाके वो मीट करता है। इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग बस इकोनॉमिक फैक्टर को कंसिडर करेंगे कि हाँ ये बीच में कहीं आके रुकता है, और जहां आके वो रुकता है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और उस प्राइस पे जो क्वांटिटी सेल होता है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आपके पास डायग्राम नहीं भी है तो टेबल देख के आप बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ है। तो आप देख सकते हो कि अगर जब 4 रुपए प्राइस था तो डिमांड 135 यूनिट्स था, पर सप्लाई सिर्फ 26 यूनिट्स था। जब 5 रुपीज प्राइस था तो डिमांड 104 था, सप्लाई 53 था। आप देख सकते हैं प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग, पर इनमें से एक जगह ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है। इस जगह पे यानी 6 रुपए प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड भी 81 है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 81, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस 6 रुपए है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 81 है। ये तो हमें टेबल से ही मालूम पड़ गया। हाँ, हमें ग्राफ बनाने बोला है तो हम ग्राफ जरूर बनाएंगे, और ग्राफ के थ्रू भी इसे हम दिखा देंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल, जैसे आप लोगों ने क्लास 8 और 9 में प्लॉटिंग सीखा है, उस तरह से हम 2 डायमेंशन में प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। तो एक एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस और एक एक्सिस पे लेंगे क्वांटिटी। प्राइस क्या है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं रफली ले रहा हूँ, आप लोग
स्केल से मेजर करके लेना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहां मैं इसे थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि उस स्केल को बराबर करने के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, और क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी हम ले सकते हैं 20-20 के गैप में क्वांटिटी ले सकते हैं। सपोज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ठीक है, 20-20 के गैप में हमने ले लिया, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस है, जितना बड़ा आपका कॉपी है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब क्वांटिटी सप्लाइड निकालेंगे। क्वांटिटी सप्लाइड, पहले क्वांटिटी सप्लाइड को प्लॉट करेंगे इसको। तो जब 4 रुपए कीमत है तो क्वांटिटी सप्लाइड 26 यूनिट्स है, राइट? 26 यूनिट, 4 रुपए पे 26 यूनिट, यानी कि समवेयर हियर 5 रुपए पे 53, 53, यानी कि समवेयर हियर। 6 रुपए पे 81, यानी कि यहाँ पे। 7 रुपए पे 98, 8 रुपए पे 110, 9 रुपए पे 121। तो हमने प्लॉट कर दिया, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है? अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो इसे फ्री हैंड डायग्राम के साथ, फ्री हैंड कर्व के तौर पे इसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अपवर्ड अपवर्ड राइजिंग सप्लाई कर्व, सो दिस इज अवर सप्लाई कर्व। अब हम डिमांड कर्व बनाएंगे। तो 4 रुपए पे 135, तो 4 रुपीज पे डिमांड कर्व इज 135, राइट? सो इट इज 4 रुपीज पे 135, सो हियर 5 रुपीज पे 53, सॉरी 5 रुपीज पे 104, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं, 5 रुपीज पे 104, यहाँ पे 6 रुपीज पे 81, 6 रुपीज पे 81, यानी यहाँ पे, राइट? 7 रुपीज पे 68, 8 रुपीज पे 110, सॉरी 53, मैं बार बार इसको देख ले रहा हूँ, 53, 8 रुपीज पे 53, 9 रुपीज पे 39। अब इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, जहां सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा वो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये 81 पाएगा दोस्तों, बहुत क्लोज क्लोज है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज 6 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 81। खैर, ये तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट, यानी कि पिज्जा मार्केट, वर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर एक्चुअल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर रहता, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं रहता, ठीक है, यहाँ पे कहीं रहता इक्विलिब्रियम के ऊपर, व्हाट वुड ड्राइव द मार्केट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम? तो ये मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आता? अब हम जानते हैं कि हर मार्केट इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है इस पॉइंट पे। वो कैसे करता है समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई प्राइस इसका सपोज यहाँ रहता, जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो इस प्राइस पे हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इतना है, यानी कि इतना, और क्वांटिटी सप्लाइड इतना है, राइट? यानी कि इस प्राइस पे डिमांड करने वाले लोग कम है पर सप्लाई करने वाले लोग ज्यादा है, यानी मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा है पर उसको खरीदने वाले लोग नहीं है, यानी कि मार्केट में सरप्लस है। मार्केट में क्या है? सरप्लस है। अब क्या होगा? खरीदने वाले तो है ही नहीं, बेचने वाले बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीजें मार्केट में बिक रही है। तो क्या होगा इवेंचुअली, जो सप्लायर्स है उनको ये समझ में आएगा कि इस प्राइस पे कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्यों ना प्राइस को कमाया जाए। तो प्राइस को रिड्यूस करके थोड़ा और नीचे लाएंगे। तो जब प्राइस को थोड़ा और नीचे लाएंगे, मान लीजिए यहां तक ले आए, इस प्राइस पे भी मान लीजिए सरप्लस क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में अभी भी गैप है। फिर नीचे ले आएंगे वो, तो और सप्लाई कमेगा, राइट? फिर नीचे ले आएंगे प्राइस को, और सप्लाई कमेगा। तो इवेंचुअली ये कब तक नीचे आएगा? जब तक वो वापस इक्विलिब्रियम पे ना आए। सो ये यहां से नीचे की तरफ मूव करेगा सप्लाई पर। सो द सप्लायर्स विल रिड्यूस द प्राइस बाय रिड्यूसिंग देयर क्वांटिटी एज वेल। तो वो प्राइस को रिड्यूस करेंगे और अपने सेल्स को भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर वो एक हायर प्राइस पे बेच रहे होते, सपोज इस प्राइस पे जो हमारा प्राइस था अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो वो हायर क्वांटिटी सेल कर रहे थे, राइट? इतना क्वांटिटी सेल कर रहे थे,
बट कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो वो क्या करेंगे, आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे और अपने सेल को भी रिड्यूस करेंगे, ताकि वो एक ऐसे पॉइंट पे आ सके जहां खरीदार एक्चुअली खरीद सके, राइट। सो इक्विलिब्रियम पे सप्लायर जो है वो ड्राइव करके उसको नीचे लाएगा, ठीक है। नंबर सी, इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट वेर बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट वुड ड्राइव द मार्केट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। अब मान लेते हैं एक्चुअल प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे रहता है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के नीचे। अब क्या होगा इक्विलिब्रियम के नीचे, ये है क्वांटिटी सप्लाइड और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। हम देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड कम है और क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, यानी कि कम प्राइस में लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, बट सप्लायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एट सच अ लोअर प्राइस, राइट। सप्लायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी शॉर्टेज इन द मार्केट, मार्केट में शॉर्टेज होगा। शॉर्टेज क्या होता है भाई, लोग खरीदना चाह रहे हैं पर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे हुआ था ना मास्क सैनिटाइजर के साथ हुआ था, लोग खरीदना चाह रहे थे पर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। अब ये मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा वापस, सोच के देखो। इस मार्केट में सप्लायर्स बेचना नहीं चाह रहे, डिमांडर्स खरीदना चाह रहे, राइट, तो बिकेगा तो नहीं मार्केट में, इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं। इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिमांडर्स है, डिमांडर्स जो है वो कमेंगे और प्राइस जो है वो बढ़ेगा, सो प्राइस को ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। कौन बढ़ाएंगे प्राइस को, सप्लायर्स बढ़ाएंगे, तो सप्लायर्स विल इंक्रीज द प्राइस बाय इंक्रीजिंग देयर सेल, सप्लायर्स विल इंक्रीज द प्राइस बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स, उनका सेल्स भी बढ़ेगा, उनको यहां से जब यहां जाएंगे तो उनका सेल्स भी बढ़ेगा और उनका प्राइस भी बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, एंड दैट विल लीड टू द इक्विलिब्रियम। ओके, सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केट रिसर्च हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट फॉर चॉकलेट बार्स, द डिमांड शेड्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटिटी डी इक्वल टू 1600 माइनस 300 पी, इसको यहां लिख लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1600 माइनस 300 पी, एंड क्वांटिटी द सप्लाई शेड्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 1400 प्लस 700 पी, वेयर क्यूएस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन द मार्केट फॉर चॉकलेट बार्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालना है। देखिए ये है डिमांड फंक्शन, ये है सप्लाई फंक्शन, ठीक है। हम जानते हैं डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन जहां इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करता है, वो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और वो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देता है, राइट। हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम वी नो एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, इट मींस 1600 माइनस 300 पी इज इक्वल टू 1400 प्लस 700 पी। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइए, क्वांटिटी डिमांडेड में यहां माइनस साइन क्यों है और क्वांटिटी सप्लाइड में यहां प्लस साइन क्यों है, और इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं प्राइस की जगह जीरो पुट करूं तो क्या क्वांटिटी सप्लाइड 1400 हो जाएगा, थिंक ऑफ इट, क्वांटिटी सप्लाइड एट पी इज इक्वल टू जीरो, अगर प्राइस जीरो है, यानी कि प्रोडक्ट का कोई कीमत ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, प्राइस अगर जीरो हो, तो लेट्स पुट जीरो इन प्लेस ऑफ प्राइस, तो क्या क्वांटिटी सप्लाइड 1400 हो जाएगा, तो क्या फ्री में 1400 क्वांटिटी सप्लाइड होगा, इसका आंसर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, कि यहां पे माइनस साइन और यहां पे प्लस साइन क्यों है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं देखता हूं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, सो 1600 माइनस 300 पी इक्वल टू 1400 प्लस 700 पी, सॉल्व करने से क्या होगा, सो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सो इट विल बी 1000 पी इज इक्वल टू 1600 माइनस 1400, सो 1000 पी इज इक्वल टू 200, सो पी इज इक्वल टू 200 बाई 1000, पी इज इक्वल टू 0.5,
0.2, ओके, तो प्राइस इज इक्वल टू 0.2, इक्विलिब्रियम प्राइस 0.2 है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? तो आप इक्विलिब्रियम प्राइस को किसी भी जगह पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, वो आपका क्वांटिटी इक्विलिब्रियम बता देगा। तो 1600 माइनस 300 पी, लेट्स पुट 0.2 इन प्लेस ऑफ प्राइस, so it is 1600 minus 60, so it is 1540. So 1540 quantity of chocolate bars will be supplied, will be demanded at a price of 0.2 rupees. Okay, so I hope आप लोगों को ये question समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई doubt हो तो आप लोग comment पे तो बताओगे, और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ special lectures अगर आपको attend करना है, तो आप हमें contact कर सकते हो 9830060368 पे, या आप हमारे वेबसाइट www.roadtosuccessdcsir.com पे भी विजिट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैन क्यू की वेरी वेरी थैंक यू।